हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी रिपब्लिक डे। फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक मोनोपोली स्टॉक बताने जा रहा हूँ जो कि फंडामेंटली एक्सीलेंट तो है ही, बट मज़े की बात यह है कि इसमें पब्लिक होल्डिंग ओनली 1% है। जी हाँ, 1%, बिकॉज प्रमोटर अपना स्टॉक स्टेक बेचने को तैयार नहीं है। FIIR ने माल भर के रखा हुआ है और DIIR ने भी बहुत ज़्यादा इसमें परचेसिंग करके रखा है, तो पब्लिक के पास ऐसी 1%, मतलब यू कैन इमेजिन कि इस कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल क्या होगा। और आप सोचिए फ्रेंड्स, मुझे स्टॉक मार्केट की कोई कंपनी बताइए कमेंट कर जिसमें पब्लिक होल्डिंग ओनली 1% है। जी हाँ, ओनली 1%, बिकॉज कंपनी फ्यूचरिस्टिक है, मोनोपोली बिजनेस में है और इसका लगातार ग्रोथ हो रहा है, स्टॉक भी, प्रॉफिट भी, सेल भी, सभी। तो इसीलिए ऐसे स्टॉक आपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से। बाय करके भूल जाइए, भले ही फाइव स्टॉक्स लीजिए, 10 स्टॉक्स लीजिए, 50 स्टॉक्स लीजिए, आपका जितना बजट अलाउ करता है। वन ऑफ द बेस्ट कंपनी टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म दिस शेयर इज़। आइए इसके बारे में जानते हैं। ये कंपनी जो है मैट्रेस बनाती है एंड पीयू फॉर्म बनाती है। आप सोचेंगे मैट्रेस बनाने वाली कंपनी का ग्रोथ कैसा होगा। फ्रेंड्स, आप जानते हो कि अभी रियल एस्टेट सेक्टर बूम हो रहा है, जितने फ्लैट्स बनेंगे, जितनी शादियाँ होगी, बेडरूम के काम होंगे या बेडरूम बनेंगे उसमें गद्दियाँ लगेगी। और आजकल सादी गद्दियाँ जो होती है कपास की या कॉटन की, वो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। आजकल सबको चाहिए मॉडर्न गद्दियाँ और जो कि हेल्थ के लिए अच्छी होती है। आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं और इनका ब्रांड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है मार्केट में और इनका एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है ये कंपनी का, जिसका ब्रांड है स्लीप वेल मैट्रेस। आपने नाम सुना ही होगा, TV पे ऐड भी आती है। स्लीप वेल मैट्रेस बनाने वाली ये कंपनी है, इसका एक्सपांशन का काम चल रहा है गुजरात में। इनका अभी वो मार्च से ऑपरेशन में आ जाएगा। एक्सपांशन कैपेसिटी डबल कर रहे हैं और प्लस ये लोग इकोनॉमिकल भी जो मैट्रेस है लॉन्च कर रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि इनकी जो गद्दियाँ काफ़ी महंगी होती है, लोअर मिडिल क्लास लोग या मिडिल क्लास लोग बहुत बार अवॉइड करते हैं ऐसी गद्दियाँ बाय करना, ब्रांडेड गद्दियाँ, ब्रांडेड मैट्रेस। तो ये कंपनी अभी वैसे एक चीप बट क्वालिटी में गुड पर प्राइस में कम ऐसा भी नया मैट्रेस लॉन्च करने जा रही है। इनके डीलर्स ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए हैं। आप कोई भी सिटी में जाइए, जो हैंडलूम के जो या कर्टन्स या जो गद्दियाँ बनाने वाले शोरूम्स होते हैं वहाँ पे इनकी गद्दियाँ हमें मिलती है, स्लीपेल मैट्रेस। आइए इस कंपनी के बारे में जानते हैं। ये कंपनी मोनोपोलिस्टिक है, ऐसी एक ही कंपनी लिस्टेड है पूरे भारत में स्टॉक मार्केट में। और इसमें आप देखिए FIIR का इतना ज़्यादा होल्डिंग है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये कंपनी का जो शेयर है MSCI इंडेक्स में भी ऐड हुआ है, मॉर्गन स्टैनली कैपिटल मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में भी ऐड हुआ है। तो यू कैन इमेजिन कि कितना हाइप होगा इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी का जो क्लोजिंग था मंडे का वो था 3270 फ्रेंड्स, अगर आप इस कंपनी का चार्ट देखेंगे तो ये शेयर रुकता ही नहीं है, ऊपर ही ऊपर जाता है, बिकॉज पब्लिक के पास सिर्फ 1% है। तो ज़्यादा इसमें स्कोप ही बचता नहीं है, जो भी लेता है वो लेके बैठ जाता है, वो बेचता ही नहीं है। तो इसी के कारण इसका शेयर का रेट हमेशा ऊपर ही ऊपर जाते रहता है। ये कंपनी का शेयर मैंने जब 2400 था जस्ट 3 मंथ्स बैक जब आपको रिकमेंड किया था, उसके बाद मैं 2600 पे भी रिकमेंड किया था, उसके बाद 2800 पे भी किया था और बाद में 3000 पे भी किया था। अभी अच्छे रेट में मिल रहा है, इसीलिए कह रहा हूँ कि इसको अभी भी बाय कर लीजिए। 5 to 10 shares, 15 shares बाय करके भूल जाइए लॉन्ग टर्म के लिए। ये आपको अच्छा रिटर्न बना के देंगे। बिना कुछ देखिए शेयर बढ़ते रहता है, मार्केट भागता है तो ये शेयर बहुत तेज़ी से भागता है। इसका पी है 61 का, जो कि रीजनेबल है क्योंकि फ्यूचरिस्टिक और मोनोपोली कंपनी के पी आपको ज़्यादा ही मिलेंगे। EPS इज़ 53 का EPS कम नहीं होता है, बहुत शानदार EPS है। डेट टू इक्विटी रेशियो इज़ 0.26, कंपनी पर डेट बहुत कम है। एक्सपेंशन में खुद के पैसे से कर रही है, कंपनी ने लोन नहीं लिया है। ROCE इज़ 24% जो कि अमेजिंग है। ROE इज़ 22% जो कि बहुत ही अच्छा है। अब आप देखिए प्रोमोटर होल्डिंग जो मैं पैटर्न बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रोमोटर्स के पास है 73%, FII के पास है 2% और DII के पास है 24%। जी हाँ, मैं राउंड ऑफ बोल रहा हूँ आपको। और पब्लिक के पास है सिर्फ 1%, सिर्फ 1%। DII के पास 23 point something है, तो मैं सब राउंड ऑफ बोल रहा हूँ, बट 1% ही ऐसे पब्लिक के पास। आप जाके कहीं भी चेक कर सकते, कोई भी साइट पर, ओनली 1% होल्डिंग है पब्लिक की। ऐसी कोई कंपनी आपको पूरे स्टॉक मार्केट में मिलेगी नहीं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि सिर्फ 1% पब्लिक के पास है, क्योंकि ऐसी कंपनी मार्केट में मिलती नहीं है। तो आप सोच सकते हैं इसका फ्यूचर ग्रोथ कितना ब्राइट होगा। इसका जब एक्सपांशन का काम पूरा हो जाएगा तो ये शेयर हमें हो सकता है 6000 का लेवल दिखा दे आने वाले 3 महीने में। यह बात ध्यान रखिए।
इसका अगर हम लोग बात करेंगे ईयर ऑन ईयर क्वार्टर क्वार्टर की, तो सितंबर 2021 में इसका प्रॉफिट था 69 करोड़, जून 2021 में प्रॉफिट था 25 करोड़ बिकॉज लॉकडाउन था और बाकी सब प्रॉब्लम थे आप जानते हैं, बट सितंबर 2021 में प्रॉफिट था 76 करोड़। और अभी दिसंबर क्वार्टर का इसका जो रिजल्ट आने वाला है सेकेंड फेब्रुआरी को, और वो कि अराउंड 100 करोड़ आने की उम्मीद है बिकॉज अभी लॉकडाउन नहीं था, इनके मैट्रेसेस काफ़ी पॉपुलर काफ़ी डिमांड में थे और एक्सपोर्ट भी अच्छा हुआ है, तो मुझे लगता है 100 करोड़ के आसपास आएगा। तो यही शेयर हमें शॉर्ट टर्म में 5000 के लेवल पे दिखा सकता है, तो आप ज़रूर कंसिडर कीजिए फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू टू ऐड न्यू पोर्टफोलियो। शीला फोम्स लिमिटेड, SHEELA, शीला फोम लिमिटेड, इस कंपनी को आप ज़रूर कंसिडर कीजिए बाय करने के लिए फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। दिस कैन बी द वन ऑफ द बेस्ट मल्टीबैगर शेयर टू होल्ड इन द पोर्टफोलियो, एंड यू कैन स्टडी अबाउट दिस कंपनी एंड टेक डिसीजन। थैंक यू फ्रेंड्स।